ये वो अभिनेता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी खलनायकी से इतिहास रच दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शोले के डाकू गब्बर सिंह यानी अमजद खान की। अमजद खान का जन्म 12 नवंबर सन 1940 को पेशावर में हुआ था। इनके पिता जयंत एक जबरदस्त एक्टर थे। अमजद खान की स्कूलिंग हुई सेंट थेरेसा हाई स्कूल बांद्रा से और आरडी नेशनल कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही अपने पिता की एक्टिंग और फिल्मी दुनिया का माहौल इन्होंने देखा और बचपन से ही एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर इन्होंने फिल्मों में काम किया। 1951 की फिल्म नाजनीन से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इन्होंने अपनी शुरुआत की थी और तब कोई इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये लड़का आगे जाके इतिहास रचने वाला है। रमेश सिप्पी की शोले की कहानी और डायलॉग लिखे थे मशहूर लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने। फिल्म शोले के विलियन गब्बर सिंह के किरदार के लिए रमेश सिप्पी की पहली पसंद थे डेनी, लेकिन डेनी उन दिनों फिरोज खान साहब की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में व्यस्त थे, जिस वजह से सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी को अमजद खान का नाम अप्रोच किया और फिल्म शोले के बाद अमजद खान बन गए अमर गब्बर।